फिलहाल मैं आपको टाइमिंग की बात बता दूँ तो इसकी टाइमिंग लग रहा है ना तो इसकी स्पेशलिटी क्या है मतलब या अलग कैसे है बिठाने की मतलब क्या मतलब रीज़न क्या है स्टेप इन आउट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट है तो हमने ये चीज़ गार्लिक ब्रेड लिया है जो कि हमें पड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है फूड लवर्स के लिए। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ होटल ग्रैंड उनियारा के अंदर जहाँ पर अभी इवेंट हो रहा है फूड फेस्ट, जो कि स्टेप इन आउट ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये काफ़ी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करता है। फ़िलहाल ये जयपुर में सेकंड टाइम हो रहा है और जयपुर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी लोकेशन इसकी। तो काफ़ी सही चीज़ बनाई गई है, आपको दिखा दूँ फूड लवर्स के लिए। तो पहले एंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है काउंटर रिसेप्शन, जिधर आपको आपका ऑनलाइन बुकिंग हो या ऑफलाइन बुकिंग हो तो आपको यहाँ से आपको ये वाला बैंड मिल जाएगा जो मैंने अभी बियर किया हुआ है। और यहाँ पर गेट पर आपके ये चेक होगा। उसके बाद हम सीधा अंदर चल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बैंड लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें रोका नहीं गया। और दोस्तों आपको साउंड तो आ ही गया होगा, कॉपीराइट इशू ना आ जाए बस। तो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा अंदर से। तो देखिए काफ़ी अच्छी डिसेंट भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा क्राउड है। और सबसे पहले राइट साइड से अपन शुरुआत करते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक राउंड ट्रिप दे देता हूँ, फिर हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो यहाँ पे चल रहा है पिज़्ज़ा। और भाई ये ग्रैंड उनियारा का ये यहाँ पे स्टेप इन आउट की तरफ से कॉक कॉफ़ी कंपनी। और ये डिफरेंट स्टॉल्स लगी हुई है, मसाला ग्रिल और एक स्पाइसेस सुबायू। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जो कि जयपुर की मोस्ट फेमस स्टॉल्स हैं। इनका रेट वगैरह भी इन्होंने यहाँ दिया हुआ और यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी दी गई है। आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। और वहाँ पे आपको दिखेगा मोक्का ऑर्गेनिक कैफ़े। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे TFR और उधर भी लव ओवर कॉफ़ी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। और ये है शेक बाय ब्राउन सुगर। तो ये जयपुर की कुछ फेमस स्टॉल्स हैं जहाँ पे लगी हुई है। पपी भी आया हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये देखिए यहाँ पे फार्मेसी हेल्थ फूड रेस्टोरेंट भी लगा हुआ है। तो बाकी माहौल के लिए यहाँ पे म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पे अपने अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनमें मेरे फ्रेंड है और ये मेरा भाई है। तो ये छोटू और ये अनुज, जिसको भी आपने पहले देखा होगा होली वाले ब्लॉग के अंदर। अरे कैसी लग रही है कि गैदरिंग? शानदार, बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे दो मेंबर अभी और आ रहे हैं। क्लास में आगे सभी तो भाई हमारे जो बचे हुए दो मित्र थे वो भी आ चुके हैं। तो जो हमारे पीछे दिख रहा हो आपको, तो भाई ये रहे सबसे पहले मित्र, बताते हैं हमको। ये रोहित भाई हमारे स्कूल के फ्रेंड और ये अशोक भाई जो थोड़ा लेट लतीफ़ है, इनको काफ़ी देर से पहले से कॉल कर रहे थे इसकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, स्कूल टाइम पे भी ऐसे ही होता था, इसकी वजह से लेट होता था। 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये बिल्डिंग दिखा दूँ आपको, होटल ग्रैंड उनियारा हेरिटेज होटल, जो कि 5 स्टार होटल की कैटेगरी में आता है। और भाई थोड़ा सा मेरे को बाहर आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अंदर साउंड चल रहा है काफ़ी लाउड स्पीकर पे। तो जिसकी वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और थोड़ा साउंड का भी मतलब कॉपीराइट इशू आ सकता है, जिस वजह से मुझे यहाँ की शूटिंग करनी पड़ रही है। तो फिलहाल मैं आपको टाइमिंग की बात बता दूँ तो इसकी टाइमिंग जो है वो है 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और जो इसका चार्जेस हैं वो हैं तकरीबन 99 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप ग्रुप में लेते हो तो आपको तकरीबन मतलब 299 के अंदर आपको 5 लोगों की परमिशन मिल जाती है, तो विच इज़ इफ़ यू आर काउंटिंग इंडिविजुअली दैन इट्स 60 रुपीज़ पर हेड। तो ज़्यादा नहीं है, ख़ास नहीं है, मतलब 99 लो या 60 लो, बट यहाँ पे काफ़ी इन्जॉयमेंट है और आपको जयपुर शहर के डिफरेंट जो भी फेमस फूड स्टॉल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल मेरा जो मोटिव था, मैं शाम को इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको दिन और रात दोनों का ही व्यू दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन होती है वो काफ़ी प्यारी होती है। तो आपको सामने दिखाई देता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं अभी पार्किंग में था तो आपको साउंड आ रहा होगा, तो मैं शायद बीप करना पड़ जाए मुझे, तो आप देख लीजिए। बाकी मैं स्टॉल्स जैसे जैसे कवर करूँगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा एक एक करके। हमारे ग्रुप के मेंबर पता नहीं क्या करने लगे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्या हुआ भाई लोग, क्या इनविटेशन है क्या? ये क्या चीज़ है सर? फार्मेसी हेल्दी फूड रेस्टोरेंट बाय डॉक्टर। पासेस है क्या इसके अंदर? कुछ वाउचर वगैरह? डिटेल्स अबाउट फूड है, फूड की डिटेल्स है। अच्छा, फूड की डिटेल्स हैं। तो इतना लेने की ज़रूरत है क्या? कितने लिफाफे ले लिए तुम लोगों ने? सी स्कीम। अरे सी स्कीम का है ये, कुछ है, देखिए आप पॉज करके। अनुज बताएंगे इसके बारे में क्या चीज़ है, बताइए अनुज जी क्या चीज़ है? फार्मेसी। हाँ बताइए बताइए। फार्मेसी रेस्टोरेंट के नाम से हेल्दी फूड रेस्टोरेंट बाय डॉक्टर्स। ये मतलब डॉक्टर बनाते हैं यहाँ पे फूड? नहीं मतलब क्या है हेल्दी, क्या इसमें है? देखो ना यार, पढ़ के हमें भी बताओ, हमारे व्यूअर्स को भी बताओ। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो डॉक्टर चलाते हैं, जो कि फोकस्ड है हेल्दी फूड प्रीफर करता है, ऐसा जैसा कि इसमें मेंशन है। चलो अशोक जी को भी एक ट्रायल दे देते हैं। अशोक जी आप बताइए। ये डेबिट क्रेडिट करके और एग्जाम पेपर से भी टफ क्वेश्चन लग रहे हैं ना। तो भाई जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मास्क वगैरह का यहाँ पे कोई वो नहीं है। बाकी कार्ड के अंदर लिखा हुआ था इनविटेशन के अंदर कि यहाँ पे मास्क वगैरह और डबल डोज का सर्टिफिकेट आपको दिखाना ज़रूरी है, बट यहाँ पे कोई भी बंदा मास्क नहीं लगा के घूम रहा है और ना कि कोई सर्टिफिकेट हमसे पूछा गया कहीं पे भी। भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डोसा सेट से। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डोसा मिलते हैं। तो पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो डोसा प्रिपेयर किया जा रहा है, इसमें मेन्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरी जो स्टॉल लगी है ग्रैंड उनियारा की तरफ से। सर ये ग्रैंड उनियारा की तरफ से लगी है स्टॉल? ओके। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही मिलता है? तो आपको दिख रहा होगा। दूसरी जो स्टॉल है भाई यहाँ पे है कोको कॉफ़ी एंड कंपनी की। तो इसका मेन्यू दिखा देता हूँ, ये कुछ मेन्यू है। और भाई ये देखिए मशीन के थ्रू यहाँ पे कॉफ़ी प्रोवाइड की जा रही है। तो हम यहाँ पे आ गए भाई फार्मेसी हेल्दी फूड रेस्टोरेंट के यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, पूछते हैं मैडम अपनी ये कहाँ पर रह गया? इसकी स्कीम में है, धुलेश्वर गार्डन में। धुलेश्वर गार्डन में। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब ये अलग कैसे है? कि हम लोग नो शुगर, नो मैदा और नो कॉमन सॉल्ट, हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह हम लोग सारा, हमारे जितने भी डिश है, एक हमारे फास्ट फूड भी मिलता है, उसमें भी हम लोग सब हेल्दियर वर्जन में है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज सब हेल्दी वर्जन में, मैदा हम लोग यूज़ नहीं करते। बहुत बढ़िया। तो मतलब मोमो भी बिना मैदा के? यस, सूजी से बनता है हमारा मोमो की कवरिंग है जो, और सारा तो सारा कुछ हेल्दी है यहाँ पे। ऑयलिंग का ये रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बर्न आउट होके सारी प्रॉपर्टीज रिलीज कर देता है। बट जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, जो इंडिया में मोस्टली कोकोनट या सेसमे ऑयल का यूज़ होता है, जिसको आप 400 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, फिर भी उसमें प्रॉपर्टीज़ रह जाती है। टेस्ट पे इम्पैक्ट होता होगा? नहीं, हमारा मच मोर टेस्टियर है फूड, ये हम लोग गारंटीड देते हैं। ये नाम सुनते ही आदमी का बहुत मुंह बन जाता है कि यार क्या कोई तेजाबी आ जाएगा, बट थिंग इज दैट ना कि व्हाट पीपल वांट ना एट द टाइम। भाई एक बार इनके यहाँ पे विजिट करें और ट्राई करें। हमने टेस्ट के बारे में पूछा तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि ओरिजिनल रहता है, तो काफ़ी हेल्दी होता है वो। यहाँ पे पेस्ट को बैठाने की मतलब क्या, मतलब रीज़न क्या है? फोटो खींच लेते हैं लोग और एक दो ऑर्डर कर देते देखते हैं। अच्छा अच्छा, आसाम में एक जगह वहाँ से आ रहा है। तो भाई अगर आप लिकर के शौकीन है तो यहाँ पे इसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। भाई आजकल का ये रिवाज हो गया कि सोशल जो भी इवेंट होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ों का रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने डॉग शो के अंदर तो नहीं देखा था, बट JLF जो लिटरेचर फेस्टिवल था उसमें भी ये चीज़ नोटिस की थी, वहाँ पे ड्रिंक अवेलेबल था। तो भाई ये है लेज़ी मोजो, जिसका लेज़ी मोजो का स्टॉल लगा हुआ, और यहाँ पे ये क्या है, मंचूरियन है और ये कुछ दिख रहा है। और यहाँ का मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेन्यू कुछ इस तरीके से, यार काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पर सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये है 97 केक्स का स्टॉल, जिसमें आपको यहाँ पे केक्स की वैरायटी मिलेगी। तो सर अपनी स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे? Specialty, yes, we are specialized in cheesecakes and breads. So you can have a pizza focaccia and cheesecake as well. Cheesecake. And if you are brownie lover, we have slutty brownie with us. Okay. तो मैं दिखा देता हूँ इनका, ये brownies वगैरह जो बता रहे हैं, तो ये कुछ इनका स्टॉक है। बाकी ये मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। चार्ली चैपलिन और जोकर गेटअप में भी यहाँ है एंटरटेनमेंट के लिए। तो भाई यहाँ पे कुछ कॉटन कैंडीज हैं जो भी प्रिपेयर हो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबको ट्राई करना चाहिए भाई। अशोक तो हमारे सभी भाई बंधु लोग ले सकते हैं भाई। वो कहाँ गए? अरे ले लो, अरे मेरी तरफ से ले लो, ले ना। अरे लो ना यार, लो लो लो, एक और देना भाई। लो भैया, लीजिए। दान पुण्य करना चाहिए। कैसे लग रही है? गलियों में हमारे आते हैं ना बेचने वाले, उनके टेस्ट नहीं रहा है, जैसा नहीं उनसे अच्छा है या फिर उनसे बुरा है? उससे कम है, उनसे कम है। तो फ्री में मिल रहा है, खा लो चुपचाप अभी। ले जोड़ू भाई, इसका टेस्ट काफ़ी सही है। रोहित के रिव्यूज में मत जाना, ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो प्राइस है 50 रुपीज़ है, बट यहाँ पे फॉर द प्रमोशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्राउन शुगर की तरफ से भाई यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना वही राजा पार्क वाला ब्राउन शुगर है ना, अपना ही है। 11, 12, 13, 15 आउटलेट है, सारे अपने ही हैं। ओके। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ एटमॉस्फेयर का जो ये प्राइस रेट है वो आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। 150 जो आपको दिख रहा है, तो वो एक ट्रायंगुलर जो शेप है, सिर्फ इसका 120 है, बाकी पूरे पिज़्ज़ा का मतलब 400 अबव है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे जो मेन्यू है। फिलहाल यार ग्राउंड की तरफ काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, और मेरे पीछे देख रहे हो ये वॉशरूम है यहाँ पे। तो गेट के मेन एंट्री के पास ही आपको ये वॉशरूम मिल जाएगा आपको। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, माहौल पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों बता दूँ आपको, ये स्टेप इन आउट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया इवेंट है, जिसमें आपको हर जगह मतलब ये डिफरेंट सिटीज़ में हर 1-2 महीने में जो इवेंट करता रहता है। बट जयपुर में एवरी 1 ईयर यहाँ पे ये फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ के क्लिप्स। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम हो तो चलिए दोस्तों, रात की लाइटिंग दिखाता हूँ मैं अब आपको यहाँ की। लाइटिंग और पब्लिक काफ़ी सही लग रही है यहाँ पे, और स्टॉल्स बड़े यहाँ पे। एक स्टॉल के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको रोशनी दिखाता हूँ। बाकी स्टॉल्स तो मैंने आपको जो पॉपुलर स्टॉल्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट है कुछ लास्ट में, जैसा कि मैंने दिन में दिखाया था, तो रात में काफ़ी सही लग रहा है। शादी करना चाहता हूँ। भाई जो टीएफआर है इसने जेएलएफ इवेंट में भी अपना स्टॉल लगाया था, तो आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मेन्यू जो है सबसे चीपेस्ट है यहाँ पे। तो भाई हमारा जो है चीज़ गार्लिक ब्रेड आ चुका है, तो अभी चलते हैं कहीं बैठते हैं सुकून से और वहाँ बैठ के खाते हैं। तो यार यहाँ पे तो आपको जगह मिलेगी नहीं बैठने के लिए जैसा कि दिख रहा होगा, बट हम ट्राई करेंगे कि हमें मिल जाए। तो मुझे दूर एक जगह पे दिख रहा है बैठने के लिए, चलिए वहीं चलते हैं। तो दोस्तों हमने ये चीज़ गार्लिक ब्रेड लिया है जो कि हमें पड़ा है 99 रुपीज़ का। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, चलिए बाहर चलते हैं। तो भाई इवेंट में अभी 2 घंटे बाकी है, तो आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी टाइम बता देता हूँ आपको, तो टाइम हो रहा है 8:06 और अभी 2 घंटे बाकी है इस इवेंट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन में इतना ज़्यादा रश नहीं था, बट रात को जाकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश आ गया। और देखिए अभी भी एंट्री चल रही है लोगों की, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में चलो इतना ही था, और चलते हैं इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खाते रहिए और पीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।